फिरोजाबाद में डीएम उज्जवल कुमार और नगर आयुक्त घनश्याम मीणा ने संयुक्त रूप से स्मार्ट रोड की प्रगति और रेन बसेरों का निरीक्षण किया। डीएम ने बताया कि यहां पर गैस हीटर लगवाए जा रहे हैं और वहीं बस स्टैंड पर रेन बसेरों का वहां पर निरीक्षण किया गया है जहां पर गैस हीटर लगवाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोई भी व्यक्ति खुले में ना सोए और यह व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सके। सर्दी के मौसम में कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ना सोए। रैन बसेरे में गैस हीटर लगाने के साथ ही रजाई गद्दों का भी व्यवस्था उनके द्वारा की गई है और कोई भी व्यक्ति रात को जो है खुले आसमान में ना सोए, इसके लिए उनके द्वारा व्यवस्था की गई है और स्मार्ट सिटी कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए हैं। वहीं स्मार्ट सिटी कार्य में बाधा डाल रही अवैध कब्जों वाली इमारतों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फिरोजाबाद शहर में दो चीज़ों का निरीक्षण बेसिकली किया जा रहा है। एक तो स्मार्ट रोड की प्रगति के संबंध में बैठक की गई, उसके बाद निरीक्षण किया गया कि जिसके चलते काम में तेज़ी लाया जाए और जल्दी से जल्दी इस निर्माण कार्य को पूरा कराया जाए। दूसरा निरीक्षण यहाँ पर बने हुए रैन बसेरा और जहाँ जहाँ पे गैस हीटर लगाए गए हैं उसका निरीक्षण किया जा रहा है, जिससे कि यात्रियों को परेशानी ना हो और कोई भी खुले में ना सोए और बाहर किसी को सोने की आवश्यकता ना पड़े। इसके संबंध में नगर निगम को ये इंश्योर करने के लिए बताया गया है। तो अभी इसी के संबंध में हम लोग यहाँ के बस स्टैंड पे खड़े हैं जहाँ पे रैन बसेरा बनाया गया है और नगर निगम के द्वारा बताया गया है कि पर्याप्त रैन बसेरे बनाए जाएंगे अस्थाई और अस्थाई, और जिससे कि कहीं भी किसी भी यात्री को परेशानी का सामना ना करना पड़े और कोई भी फुटपाथ पर ना सोए।